महबूबा जी भी एक टाइम लोगों को यही बोल रहे थे कि आप हमें वोट दे दो आप हम बीजेपी को टनल के पार रखेंगे फिर बीजेपी को यहाँ इंट्रोड्यूस किसने किया असल में जो बीजेपी की ए टीम है ए प्लस प्लस दैट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरा एक ही एजेंडा है इन लोगों को एक्सपोज फारूक साहब ने अपने हुकूमत में अपने जीवन में इस कश्मीर को गाजा ऑलरेडी बनाया था अब इस गाजे को हम ठीक कर रहे हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक्चुअली एक्सेप्टेड चीफ चीफेरियल प्राइम मिनिस्टरियल शिप आर्टिकल का खात्मा हमारे खुद के लोगों ने और ये जो अभी uh, इस टाइम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों के पास जा जा के ये कह रहे हैं कि 370 सौ सत्तर पैंतीस वापस लाएंगे आप देखें कि कुछ ही टाइम पहले hmm. फारूक साहब ने कहा कि तीन सौ सत्तर पैंतीस से वापस लाना है इसके लिए लड़ाई लड़नी है बट मैं एक दो दिन पहले फिर से उनकी कोई न्यूज़ सुन रहा था कि कह रहे थे कि इसको अभी सौ साल लगेगा तो इनको मालूम है कि ये जो इन्होंने लोगों को आज तक झूठ बेचा ये झूठ ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है ज़्यादा देर चलेगा नहीं आज ऑटोनॉमी का नामो निशान ही नहीं है तो 40 साल 50 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लोगों को ऑटोनॉमी पे नाम पे जो खेल खिलवाया तो hmm. जो एक धोखाधड़ी की उसका जवाब इनको लोगों को देना पड़े सी आई नेवर सब्सक्राइबड माई आइडियोलॉजी टू बीजेपी दो वी हैव वेरी गुड फ्रेंड्स इन बीजेपी लाइक वाइज आई फ्रेंड्स इन कांग्रेस आई हैव फ्रेंड्स इन एवरी पोलिटिकल पार्टी बट दैट डज नॉट मीन आई एम आई कांग्रेस सी दैट डज नॉट मीन इफ आई हैव फ्रेंड्स इन पी डी पी और इफ़ आई हैव सम

न्याय है या किसी ने हमारा ज़मीन खाया तो उसके साथ हम बात नहीं करें इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है इनके साथ मगर उसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को लेके हमने आज तक इन किसी के साथ अपना आइडियोलॉजिकल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया देखिए मुझे मालूम था कि सेल्फ रूल एक डिस्टेंट ड्रीम है जो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जो ये लोगों को गुमराह कर दोनों पार्टियाँ दोनों पार्टियाँ एक सेल्फ़ रूल बेच रही थी एक ऑटोनॉमी बेच रही थी तो पीडीपी ने सेल्फ रूल बेच बेच के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी बेच बेच के तो हमने कहा कि जनाब ये पॉसिबल नहीं है ये कभी हम अचीव नहीं कर सकते हैं इन लोगों ने ऑटोनॉमी के नाम पे सेल्फ रूल आ, रूल के नाम पे यहाँ लोगों को मरवाया लोगों की कत्ल गारत कराई और इतने दंगे हुए इस चीज़ को लेके हमारे इन लोगों ने कब्रिस्तान यहाँ पे भरे और अगर आप कब्रस्तानों की बात करें वहाँ पे जवान इतने इन्होंने शहीद कराए कि कहने की कोई बात नहीं वो कौन जवान था एक आम गुलेबल यंग इम्प्रेशनेबल माइंड जो एक यूथ था जो हँसता खेलता बच्चा था उसको इन्होंने गुमराह करा, करा 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 के एक टाइम इतना गुमराह किया कि स्टेट के अगेंस्ट किया इतना गुमराह किया कि यहाँ पे इन्होंने ये प्रूव करना चाहा कि आपका अगर कोई दुश्मन है वो हमारी कंट्री है वो इंडिया है बट कितनी देर है ये चलता आप देखें कि इनकी सरकार में कितने प्रोटेस्टर्स होते थे इनकी सरकार में कितने लोग मरते थे पैलेट बुलेट जो भी ड्रकोनियन लॉ आप देखो इनकी सरकारों में हमें देखने को मिला वही सब कुछ आज क्यों नहीं किलिंग है hmm. इससे पहले कैसे किलिंग्स होती थी इससे पहले कैसे हड़ताल होते थे इससे पहले क्यों शट होते थे मतलब जो इस टाइम दिल्ली में सरकार कर रही है ये भी तो यहाँ सरकार चला रहे थे इनसे क्यों नहीं हुआ तो देट मीन्स वेर इन लीग विद दो पीपल हु हैव ऑलवेज़ बीन द एडवर्सरीज टू आवर कंट्री दे वेर ऑलवेज इन लीग विद द पीपल हु पीपल ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर इनके अपने वेस्टेड पोलिटिकल इंटरेस्ट को लेके इन्होंने लोगों को वर्गलाया बेवकूफ़ बनाया धोखा दिया और धोखे का खामियाजा हम लोगों ने चालीस साल देखा बट मुझे लगता है कि तीन सौ सत्तर पैंतीस के जाने से आ, हमें एटलीस्ट पहले तो स्टोन पेल्टिंग से नजात मिली उसके बाद ये जो हड़ताल हमें देखने को मिलते थे उनसे हमें छुटकारा मिला हमारे बच्चे सिर्फ़ 30 से 40 दिन स्कूल जाते थे अब कम से कम 310 दिन स्कूल जाते हैं ट्रांसपोर्ट आप देखिए किस तरीके से चहल पहल है कितनी खुशी से लोग सुबह घर से निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं सिविलियन किलिंग्स की अगर हम बात करेंगे इतनी सिविलियन किलिंग्स होती थी कि कहने की कोई बात नहीं हम जब स्टेस्टिक्स देखते थे कि साल में कम से कम हमारे सठ सथ सत्तर अस्सी नब्बे जवान बेचारे अपनी ज़िंदगी खो देते थे least, अब इन चीज़ों को लेके बहुत फ़र्क आई है तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे पहले हमने इनकी सरकारों में ये सब चीज़ें देखने को मिली इज चूजिंग बिटवीन अ लेसर एवल और अ ग्रेटर एवल बीजेपी जो पर्दे के आगे कर रही है वही कांग्रेस पर्दे के पीछे कर रही थी सेम है और कुछ नहीं है कांग्रेस के लोगों को इधर मेटमोमोनील रिलेशंस थे चाहते थे। वो भी अगर कि तीन सौ सत्तर पैंतीस को ख़त्म करना है नहीं किया सरकार में अगर हम कांग्रेस का इतिहास 1947 से 2024 तक खोलेंगे इतिहास के पन्ने गवाह हैं इस चीज़ के कि कांग्रेस ने क्या पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके के गवर्नर नहीं बिठाए क्या अगर आप इस गवर्नर साहब को मनोज सिन्हा साहब को राजा कहते हैं इन्होंने भी अपनी सरकारों में बड़ी रियासतों में राजे बिठाए और गवर्नर साहब ने यहाँ पे माहौल कंट्रोल करके रखा माहौल कंट्रोल करने का ये मतलब कि एटलीस्ट इनके टेन्यूवर में किलिंग्स तो नहीं हुई जब कांग्रेस थी तब किलिंग हो रही थी जब कांग्रेस थी तब सरकारें बिल्कुल Uh, काम नहीं कर पा रही थी तब स्टून पेल्टिंग थी तब नौजवान शहीद हो रहे थे हर दिन हर ताल पता नहीं क्या क्या हमें देखने को मिलता था घर से बाहर जाने के लिए बंदा पहले पांच बार सोचता था कि हमें जाना है या नहीं जाना है इतना डर दहशत खौफ था अब अगर ये डर दहशत खौफ ख़त्म हो गया है तो किसी को तकलीफ़ हो रही है इससे वो उनकी तकलीफ़ और वो जाने बट आम लोग यहाँ पे खुश है